भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य भी हैं। हम मोदी के विरोध में हैं, राजनाथ सिंह के हम माफिक है। राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, निकाल देंगे, हमको कोई फिक्र इसकी थोड़ी नहीं। हमें कोई किसी चीज़ का नहीं लग रहा है, कोई चीज़ का हमका डर सिर्फ अल्लाह का है, हमका इंसान का किसी का डर थोड़ी नहीं है। निकाल देंगे कोई नहीं, हमारे पास कार्ड, हम गौरक्षक भी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य भी है, ये गौरक्षक भी हैं। कुरान के लिए आयत है कि या रसूल अल्लाह, ये जो हक बात ना माने वो मुसलमान ही नहीं, वो मुनाफिक है। 80,000 मुसलमान शहीद हो गए थोड़े थोड़े करके, उसके बाद एकदम से जब 50,000 बच्चे नए उलमाए दीन और पुराने उलमाए दीन, 50,000 1,00,000 का लश्कर ये और 2,00,000 का लश्कर और तैयार करके जब जंग शुरू किया है। क्यों पहुंच जाते हैं? अरे जहां मामला पहुंचेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य भी हैं, लेकिन मामला जहां हक बात आएगी, हक बात अल्लाह मैदान मैसर में, हक हक जी भारतीय जनता पार्टी के जिला का विरोध नहीं, विरोध हम किसी का नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम मोदी के विरोध में हैं, राजनाथ सिंह के हम माफिक है। राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, निकाल देंगे, हमको कोई फिक्र इसकी थोड़ी नहीं है, हम हक बात करते रहेंगे। देखिए डर हमें कोई किसी चीज़ का नहीं लग रहा है, कोई चीज़ का हमका डर सिर्फ अल्लाह का है, हमका इंसान का किसी का डर थोड़ी नहीं है। निकाल देंगे कोई नहीं, हमारे पास कार्ड, हम गौरक्षक भी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य भी है, ये गौरक्षक भी हैं। अब जिला विरोध कर रहे हैं जी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। गौ की हत्या करते हैं, कौन गौ की हत्या करता है? पप्पू कुरैशी। आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर का है क्या? वो हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम विरोध थोड़ी नहीं, हम बात हक कर रहे हैं। जहाँ पर देखो, नबी पाक सल्लम का जमाना था, एक यहूदी और एक मुसलमान झगड़ा करके आए, कहीं तो या रसूल सल्लम के पास आए कि या रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी मामला हुआ, हमारा फैसला कर दीजिए। तो यहूदी के हक में फैसला जाना था, तो हक फैसला कर दिया नबी पाक सल्लम, तो मुसलमान था, उसने बात नहीं माना, आगे बढ़ाया कि अमीरुल मोमिनीन बादशाह इस वक्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उमर के पास चले आए, नबी पाक सल्लम की बात को हम नहीं मानेंगे। वो उमर के पास गए, उमर का दरवाज़ा खटखटाया, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकले, कहीं क्या मामला है, तो बताया हमारा और इस गैर मुस्लिम का झगड़ा हुआ है, इसका फैसला कर दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन बोले बताइए, नबी पाक सल्लम दुनिया में हयात है, उनकी से जा करके फैसला करा लेते, हम ज़्यादा बेहतर था, हम इस वक्त कैसे फैसला करें। तो यहूदी बोला कि हम फैसला मान लिए, नबी पाक सल्लम के पास गए थे, नबी पाक सल्लम ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, अब ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर गए, नंगी तलवार लेकर के आए, मुसलमान का सर काट दिया, सर जैसे ही काटा वैसी भगदड़ मच गई और चारों तरफ मुनाफिक अपने घोड़े दौड़ा दिया कि उमर अगर मर जाएगा तो अल्लाह का दीन कमज़ोर हो जाएगा, हक बात दब जाएगी, हमारी मनमानी दीन चलेगा, तो चारों तरफ घोड़े जी, ये हक पर, अगर हक पर ना होते, देखिए बात बात पूरी, अरे बिल्कुल 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 हर चीज़ बिल्कुल हक हक दिलवाने, देखो जो बात कर रहे हैं वो पूरी कर दीजिए, उसका जवाब ये जो हम दे रहे हैं उसको जवाब सुनिए, सुनिए। अरे हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होना, अगर कोई हमको निकाल दे, हम किसी पार्टी शिवपाल सिंह के हम खिलाफ रहे, अल्लाह उसको गर्क कर दिया, परवरदिगार ने उसे जमीन में धसा के रख दिया, समाजवादी को नीचे कर दिया, क्यों कर दिया, बेहकी कर रहे थे, तबाह कर दिया उसने, इसी तरीके से जो भाजपा वाले ज्यादा नहीं है, कम लोग हैं, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आप पूरा जवाब, उमर जिला ताला ने सर काट दिया, चारों तरफ मुनाफिकों ने घोड़े दौड़ा दिए कि चलिए चलिए चलिए, और या रसूल अल्लाह मुसलमान का सर काट दिया उमर ने, उमर का भी सर काटा जाए। तो हुजूर पाक सल्लम ने बुलवाया उमर को, उमर ने सर नहीं उठाया, नीचे झुकाए रखे, उमर क्यों तुमने सर काट ही दिया? मुनाफिक चारों तरफ नकली मुसलमान, वो ये सोच रहे थे जैसे ही हुजूर पाक सल्लम इशारा करे उमर का सर काट दिया जाए, उमर का सर नहीं काटने पाए,
कुरान के लिए आयत है कि या रसूल अल्लाह, ये जो हक बात ना माने वो मुसलमान ही नहीं, वो मुनाफिक है, उसका सर ही काटना चाहिए। हक पर ही लड़ना चाहिए, हक पर ही चलना चाहिए, और इंशाअल्लाह मैदान मैसर में हक ही, भले गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के कुरान को जलाने वाला हो, अल्लाह की मस्जिदों को गिराने वाला हो, तब भी सुने जाइए, तब भी अल्लाह हक उसको दिलवा देगा। अगर हम मोमिन हैं, अगर हमने उसका एक रुपया मारा, एक का 70 अल्लाह ताला दिलवा देगा, माफ नहीं करेगा।